बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। हम भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आज हम बहुत ही मज़े की इतनी टेस्टी रसमलाई तैयार करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, फैमिली में शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और ये मज़ेदार सी बहुत सॉफ्ट सी रसमलाई तैयार करते हैं। हाँ जी, रसमलाई तैयार करेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। एक गिलास भर के मैंने दूध का ले लिया, अच्छे वाला दूध लिया, ठीक है। दूध को मैं पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लूँगी। तो हाँ जी, दूध को अच्छे तरीके से बॉईल आ चुका है। अब मैं इसके अंदर इलायची का पाउडर ऐड कर दूँगी, ठीक है। आप चाहें तो साबुत इलायची जो होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे पकाते रहना, ठीक है। कुछ ये मेरे पास है पिस्ता और बादाम और चीनी, ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली थी। ये हम ऐड कर देंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और बीच में से ज़ाफ़रान भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स ही मैंने कर दी थी। तो अब अच्छे तरीके से हमने इनको पकाना है। तो हाँ जी, ये देखें, ये तैयार हो चुकी है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखें, पक चुकी है। तो अब हमने इसको नीचे से चूल्हे को ऑफ कर देना है, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा करते हैं। तो हाँ जी, मैंने ये खोया लिया, खोया मैंने घर में तैयार किया हुआ। इसकी रेसिपी मैंने आपको चैनल पे दी हुई है, ठीक है। आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। रूबी HD चैनल है मेरे चैनल का नाम, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ क्रीम थी ये वाली, ठीक है। मैंने इसको खोल लिया ऊपर से, तो थोड़ी सी मैं इसके अंदर जो क्रीम है खोए के अंदर वो भी मिक्स कर दूंगी, ठीक है। तो अब हमने इसे अच्छे तरीके से ना मिक्स करना है खोए के अंदर। आपके पास मलाई पड़ी है तो आप मलाई भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। दूध भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको चीज़ ठीक लगे आप वो वाली ऐड कर लें, ठीक है। इसे मैंने मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से। तो हाँ जी, अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया। अब हम इसे साइड पे करेंगे। और ये हमने लिए हैं कुछ 3 से 4 मैंने ये ब्रेड के पीस लिए हैं, इनको हम साइड पे रखेंगे। एक एक करके हम इसको कट करेंगे साइडों से। इस तरह कर लेंगे। तो इनको हमें ज़ाया नहीं करना, हम कोई भी रेसिपी तैयार करेंगे उसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो हाँ जी, इस बेलने की मदद से इनको थोड़ा सा हम इस तरह कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह हमने ये सब तैयार कर लेने। इसकी जो साइड से थोड़ी सी रह गई है उसे भी हम कट कर देंगे। तो हाँ जी, अभी ये जो हमने तैयार किया है इसे ऐड करेंगे। तो हाँ जी, हम अब ऊपर लगाएंगे अच्छे तरीके से। तो आपके घर में मेहमान वगैरह आए तो आप उनके लिए ये वाली रेसिपी तैयार करें। मीठे में कुछ तैयार करना है तो ये रेसिपी ज़रूर तैयार कीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से ये तैयार भी हो जाती है, बहुत ईजी तरीके। इंशाल्लाह आपके मेहमानों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अच्छे तरीके से हम लगा लेंगे अब। ठीक है, ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे लगा लिया। अब हम इसका जो रोल है वो तैयार कर लेंगे। तो हाँ जी, इसी तरह हमने इसके जो रोल है वो तैयार कर लेने। हाँ जी, ये देखिए, ये सब तैयार हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऊपर जो ऐड करेंगे। तो बहुत ही मज़े की रोल रसमलाई जो हमारी तैयार हो चुकी है। बिल्कुल आसान तरीके से आप इसे तैयार कर सकते हैं घर में मेहमानों के लिए। आप फटाफट से ये रेसिपी तैयार करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। थोड़े से हम इसके ऊपर जो बादाम है वो ऐड करेंगे।
तो एक एक करके हम बादाम इसके ऊपर लगाएंगे, सबके ऊपर इस तरह हमने करना है। तो माशाल्लाह सही है, देखें बहुत ही ज़्यादा मज़े की, बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार हो चुकी है। कुछ हम अब इसके ऊपर जो पिस्ते हैं वो गार्निश कर देंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा।